उसमें। आज मैं ऐसे स्वादिष्ट तिलकुट दिखाने जा रहा हूँ, झाझा का फेमस तिलकुट, जो और भी जगह से झाझा का बेहतर तिलकुट माना जाता है और स्वादिष्ट बनाया जाता है। तिलकुट को बनाते हुए दिखाया दर्शकों को। सुनो रहिए, हम आपको बात कराने जा रहे हैं तिलकुट बनाने वाले कारीगरों से। आपका नाम क्या है सर? बस के बोले फर्स्ट विष्णु जी, तिलकुट कैसे बनाया जाता है? इसमें तेल मिलाया जाता है, लोहिया दिया जाता है, उसके बाद तैयार किया जाता है जी। इतना पड़ता है जी। और जैसे तिलकुट मिश्रण कैसे रुपये के जी होता है आपका तिलकुट? जैसा जी, आपका शुभ नाम क्या जानना चाहेंगे? नाम अनिल गुप्ता हुआ। अनिल गुप्ता, अनिल गुप्ता जी ने बताया कि हमारे यहाँ स्वादिष्ट और तिलकुट भी अभी हम आपको दिखाने वाले किस तरह से तिलकुट को तिल में मिलाकर बनाया जाता है। आप हमारे लाइव तस्वीर देख रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? राजा राम जी। हलवाई, हलवाई जी, कितना दिन से आप बना रहे हैं तिलकुट जी? 1.5 महीने। कितना साल का एक्सपीरियंस आपका बनाने का तिलकुट? 15 साल का एक्सपीरियंस। स्वादिष्ट और बनाते हैं तिलकुट आस्था के साथ, है ना जी? यही बात है, बहुत चाहता है कि आप बनाने का विधि दिखा सकते हैं हम अपने दर्शकों को। पैसा ले जाओ, हाथ से नहीं, चार इधर आओ, पैसा ले जाओ। करो ना, आपका क्या नाम है? शुभ नाम बताइए। अशोक कुमार यादव। अशोक कुमार यादव, तिलकुट बनाने का विधि आप बताइएगा हमारे दर्शकों को। बताइए ना जरा से, कैसे कैसे बनाते हैं, क्या कर रहे हैं? ये देखिए राबड़ी है जी, राबड़ी है जी। ये वहाँ चाशनी बनता है जी, और यहाँ आता है थोड़ा थोड़ा बराबरी बन के हम रोटी में इधर फेंका जाता है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार यादव। आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को बताएं कि तिलकुट कैसे बनाया जाता है, कैसे स्वादिष्ट आता है। और जगह का तिलकुट खाए हैं, मगर एक बार झाझा का तिलकुट खा के देखिए, स्वादिष्ट नहीं रहेगा तो पैसा वापस कीजिएगा। झाझा का मशहूर तिलकुट है, झाझा में ऐसा स्वादिष्ट तिलकुट मिलता है। अगर स्वादिष्ट ना रहे तो पैसा वापस हो जाएगा आपका।